यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं रिंकी जायसवाल जो कि मेजा की SDM है। आइए इनसे पूछते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, पूरा मामला क्या है। मैडम, इसमें आगे कार्रवाई क्या करेंगी, आप कुछ बता सकती हैं? इसमें कैसे डेथ हुई उसकी और क्या हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या हुई है? अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। बॉडी लाई गई है जी, तो क्या कहते हैं उसके साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ बताए हैं, कैसे मृत्यु हुई है, क्या हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है वो बताए हैं कि जो हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक निकल रहा था, जब हम लोग गए वहाँ तो इसके मुंह से झाग निकल रहा था। उन्होंने बताया कि जो है कि ये अस्पताल में हम लोग गए तो टाली पर था, ये बबलू टाली पर लगा था और कह रहे थे अस्पताल में है, जेल में। SDM को बुलवाए, पंचनामा करने के, हम लोग कहा पंचनामा नहीं मानेंगे, हम लोग इसका जो है पोस्टमार्टम करवाएंगे। ठीक, वहाँ के लोगों ने बताया कि अगर ये जनरल मौत हुई होती तो अब तक में जो है काम खत्म हो गया होता, जल्दी बॉडी मिल जाती। ये संदिग्ध मामला है इसीलिए जो है लटक रहा है। रात में 10 बजे PM को भेजे, 7-8 बजे हम लोग वहाँ गए, SSP से मिले, SP जमुनापार से मिले, CMO साहब से मिले, तो वहाँ पैनल गठित किया, वीडियोग्राफी की गई, लेकिन वहाँ जो है यही दिखाया गया जो है दबाव बस कि जो है हार्ट अटैक, सारी शरीर उसकी काली पड़ी हुई। मैं भी मुंह से परिवार वालों से मिला, उनकी वाइफ ने बताया कि इसमें CEO मेजा की बहुत बड़ी साजिश है और उस साजिश के तहत जो है रात में इनको अरेस्ट किया गया और इनको जेल भेजा गया। मंगलवार को रात में पकड़ा गया और बुधवार को 11-12 बजे जेल भेजा गया और 3 दिन के बाद शनिवार को इनकी 2 बजे डेथ हो गई। देखिए बबलू केसरवानी को मैं आज 20 साल से जानता हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है और मेजा CEO हैं, ये लोग मिल करके उनके साथ ऐसा साजिश किए जान लीजिए, उनके जान खुद उनकी गवानी पड़ी। सबसे यहाँ पे राजनीति गंदी हुई और उनके वाइफ का स्टेटमेंट लीजिए, आप वाइफ का स्टेटमेंट सामने बैठकर रुझान ऐसे बना उठा की शर्ट कटवा दीजिए, बाडी वोडी न खुलो, उठाओ चेहरा, बाडी जरूरत नहीं है। पूछा करो आपका क्या कहना है इस मामले, पूछा आपका क्या कहना है इस मामले।
पापा करे मार डाले पुलिस वाले बोले बोले ना बेटा पैसा मार जातियों को जातियों को जातियों को मैं जातियों को ये हम लोग की मांग है सस्पेंड कर लगे जा जा चलो हाँ प्रधान जी नहीं अभी जो पब्लिक ने दो चार डिमांड्स रखी हैं एक तो जो इसके विवेचक क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की बात उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दे दिया है क्योंकि उनके लेवल पे सस्पेंशन नहीं हो सकता राजपत्रित अधिकारी इनका सस्पेंशन शासन स्तर से होता है लेकिन फिलहाल पुलिस अधीक्षक महोदय ने इनको हटाने की बात कह दी है तो वो हो जाएगा वो काम और दूसरी बात इनकी जो आर्थिक सहायता की बात है उसमें भी एसडीएम मैडम भी एडीएम साहब से बात की है और इसको मुख्यमंत्री सहायता कोष से न्यायोचित इनको संभव हो सब दिलाई जाए इसके अलावा जो भी पीड़ित के अन्य जो इसके आर्थिक लाभ दिए जा सकते हैं वो क्या है पटना है सारी चीजें हैं उस सब पे हम लोग विचार करेंगे मिला जुला करके जितनी भी मानवीय चीजें हैं इनको प्रदान की जाएंगी और इसमें जो दोषी है उसके विरुद्ध सख्त और लोग काफी तमाम आरोप लगा रहे हैं उसकी आप क्या कहना चाहते हैं सभी जो भी आरोप है इनका अभी एक ज्ञापन मिला उसमें जो भी आरोप नहीं उसमें सब पे हम लोग समय विचार करके कार्रवाई करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम हो गया है और उसमें फिलहाल अभी तक तो जो उसमें हार्ट अटैक की बात अभी बताई जा रही है लेकिन मैंने अपनी आंख से पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी नहीं है वो सील बंद लिफाफे में उसको उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेज दिया है शाम को कल तक हम उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देंगे सर आप बॉडी को भी देख लीजिए और आपको बॉडी को देख करके क्या लगता है क्या इसकी इनकी को देखने से बात नहीं बनेगी क्योंकि हम विशेषज्ञ नहीं है इसकी विशेषज्ञता डॉक्टर के पास है डॉक्टर जो राय व्यक्त करेगा वही फाइनल बनेगा सर इन लोगों की मांग है क्या कहते हैं कि उसको सस्पेंड किया जाए जो सीओ साहब जो भी मैंने आपसे पहले कहा कि सस्पेंशन का पावर पुलिस अधीक्षक को नहीं है उसके लिए ऊपर बात की जाएगी और फिलहाल जो उनको हटाने की बात है उस पर सहमति मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद